हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन हेल्थ केयर में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो हेड शेप के ऊपर करने वाले हैं। तो दोस्तों जब मेरे बाल काफी झड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई तू गंजा हो जा और तेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों कुछ लोग मुझसे अब भी पूछते हैं कि क्या गंजे होने से बाल झड़ना बंद होते हैं। तो गाइस आज हम जानेंगे कि क्या सच में बाल गंजे होने से बाल झड़ना बंद होते हैं, क्या बाल मोटे और घने होते हैं। ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं बालों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं जो जानना आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण होता है हमारे बाल में खुजली या इन्फेक्शन का होना। जब हमारे बालों में खुजली या इन्फेक्शन हो जाती है तो बाल हमारे झड़ने लगते हैं। तो उस दौरान यदि आप गंजे हो जाते हो, तो दोस्तों जब आप गंजे होते हैं तो हमारे बालों की ऊपरी परत जो होती है ये साफ हो जाती है, जिससे वो इन्फेक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपके बाल किसी खुजली या इन्फेक्शन कारण झड़े हुए हैं तो आपको काफी लाभदायक है गंजा होना। आप बार बार गंजा होइए जब तक आपका वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। और दोस्तों जिनके बाल खुजली इन्फेक्शन से झड़े हैं वो ओनियन जूस का यूज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जिनके बालों के झड़ने के कारण डीएसटी होता है, क्या वहां पर गंजा होना कोई फायदेमंद है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो डीएसटी होता है वो हमारी जड़ों पर इफेक्ट करता है। जो न्यूट्रिशन होते हैं ब्लड में वो हमारे बालों की जड़ों तक नहीं जाने देता डीएसटी। तो जब हम गंजे होते हैं वो हमारे सिर्फ ऊपरी परत को साफ करता है। तो दोस्तों अगर आपके बाल डीएसटी कार्ड जड़े हैं तो आपके लिए कोई लाभदायक नहीं है गंजा होना। तो इस भ्रम में मत रहिए कि अगर आपके बाल डीएसटी कार्ड झड़ रहे हैं तो गंजे होने से आपके बाल मोटे घने और लंबे हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके बाल डीएसटी कार्ड झड़ रहे हैं तो आपको ब्लड सर्कुलेशन कराना होगा। ये कैसे होता है इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों आपको बलायम करना होगा, बलायम भी कुछ लोगों पर ठीक करना नहीं आता। ये कैसे होता है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और आपको पानी ठीक से पीना है, जिससे आपका डीएसटी ब्लॉक हो जाए और आपके बाल रीग्रो हो जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि गंजे होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिये दोस्तों, जो लोग गंजेपन का शिकार होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो गाइस जो आपके डॉक्टर होते हैं वो आपको डर्मा रोलर या मिनोक्सिडिल लगाने को देते हैं। तो गाइस जब डर्मल और मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो उससे हमारे छोटे छोटे बाल आते हैं पतले पतले, जिनको हम बेबी हेयर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप उस दौरान जब आपके बेबी हेयर आ रहे होते हैं अगर आप उस दौरान गंजे हो गए तो आपको बहुत नुकसानदायक दे सकती है ये चीज, क्योंकि जो बेबी हेयर होते हैं हमारे, ये जितने बड़े होंगे ना ये उतने ही मोटे और घने होंगे। अगर आपको ये पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए, अगर आप इनको जड़ से काट दो तो ये फिर रीग्रो होने में टाइम लेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अगर आपके बाल डीएसटी कार्ड झड़ रहे हैं तो आप छोटे बाल कर लीजिए, लेकिन गंजे मत होइए, गंजा आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं कि गंजे होने के फायदे क्या हैं। देखिए दोस्तों, जब आप डर्मा रोलर यूज करते हैं, गाइस मैं आपको बताऊं गंजे होने का तभी फायदा है जब आप ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो अपना। अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो तो जो डॉक्टर होंगे आपके, या फिर आप डर्मा रोलर या मिनोक्सिडिल यूज करेंगे तो वो आपके सिर पर अच्छी तरह से अप्लाई हो सकेगी। देखिए दोस्तों, जैसे गंजा सिर है आपके, यहाँ पे डर्मा रोलर अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, मिनोक्सिडिल आराम से लगा सकते हो, कम मिनोक्सिडिल लगेगी, कम मिनोक्सिडिल में ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास डीएसटी कारण झड़ रहे हैं तो वहां आपको ब्लड सर्कुलेशन कराना होगा। ब्लड सर्कुलेशन उससे मिनोक्सिडिल से भी होता है और डर्मा रोलर से भी होता है। और दोस्तों अगर आपके बाल गंजापन है, मतलब कि गंजे हो आप, तो आपको सिर पर मालिश करने में भी आसानी होगी, क्योंकि क्या होता है जैसे हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो जैसे अप्लाई करते हैं तो बाल टूट के आ जाते हैं हाथ में, तो गाइस अब नहीं आएंगे। आप कितने भी आराम से अप्लाई कर लो, अब बाल टूट के हाथ में नहीं आएंगे। डर्मा रोलर जब यूज करते हैं तो हम उसके जो कांटे होते हैं उनमें बाल टूट के आ जाते हैं, कई बार आते हैं गाइस। और गाइस जब हम बड़े बालों पर मालिश करते हैं ऐसे, तो तब भी हमारे हाथों में दुनिया भर के बाल आ जाते हैं। तो गंजे होने का गाइस बस यही फायदा है कि हम मालिश अच्छी तरह से कर सकते हैं, डर्मा रोलर का यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं, मिनोक्सिडिल अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, बस यही है। अगर जो कुछ कोई लोग बोलता है कि आपसे कि गंजा हो जा भाई तेरे बाल घने और लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस।
ऐसा नहीं होता, मैंने भी कई बार गंजा हुआ हूं। मैं तो लगभग 1 साल में 2 3 3 4 4 बार गंजा हुआ हूँ। बल्कि इतने तो छोटे छोटे बाल होते थे, मैं तुरंत गंजा हो जाता, लेकिन मेरे को कोई इफेक्ट नहीं लगा क्योंकि मेरे बालों को झड़ने का कारण डीएसटी था। तो गाइज मैंने डीएसटी को अपने को ब्लॉक किया। ये कैसे होता है मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।